सो फ्रेंड्स, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन है क्या? सो वो न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि मोमेंटम क्या है. मोमेंटम पी इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी. सो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. और ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट अ ट्रेन इज कमिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर. एक ट्रेन आ रही है 100 किलोमीटर की रफ्तार से. अब हम क्या करते हैं कि उस जो ट्रैक से वो ट्रेन गुजरेगी उस ट्रैक के ऊपर हम ग्लास रखते थे एक्सपेरिमेंट के लिए. तो आपने इमेजिन कर ली लोगों जब ट्रेन वो उस ग्लास से पास होगी वो ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. इट विल ब्रोक इन टू स्मॉल पीसेस. अब क्वेश्चन ये होता है कि वो ग्लास टूट क्यों गया इतने खतरनाक तरीके से. आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जब ट्रेन गुजरी होगी उस ग्लास से तो कैसी आवाज आएगी. सो फ्रेंड्स, वो हुआ क्यों है? क्योंकि उस ट्रेन की जो मोमेंटम थी, ट्रेन मोमेंटम वो बहुत ज्यादा थी. ट्रेन की जो मोमेंटम थी वो बहुत ज्यादा थी. अब ग्लास की बजाय अब जब बाइक भी रख देते ना तो बाइक को भी वो ठोक के उड़ा के निकल जाती वो ट्रेन. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उस ट्रेन की मोमेंटम इतनी ज्यादा क्यों थी? वेलोसिटी उसका आप बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर थी इसलिए उसकी मोमेंटम बहुत ज्यादा थी. पर मैं एक्चुअली बोलूंगा कि उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था मास. क्योंकि ट्रेन की जो मास है वो बहुत ही ज्यादा, वो टन्स में आप शायद गूगल कर सकते हो उसके बारे में. क्योंकि उस ट्रेन की मास बहुत ज्यादा इसलिए उसने उस ग्लास को ही ब्रोक कर दिया. उस बाइक को भी ठोकर मार के आप कोई ह्यूमन सब्जेक्ट भी रख देते तो उसको भी कुचल देता. सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के कॉन्ट्रडिक्टरी सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बुलेट है और बुलेट का मास कंपैरेटिवली ट्रेन के तो बहुत ही ज्यादा कम होगा. हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं. अब हम क्या करते हैं कि इस बुलेट को जब हम बुलेट पिस्तौल में लोड करेंगे और वही सेम ग्लास पीस हम अपने फ्रंट में रख देते हैं और मैं जब ये पिस्तौल ये गोली चलाऊंगा तो ग्लास के फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. सो फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि इस बार क्यों ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए? इस बार ग्लास के टुकड़े टुकड़े इसलिए हो गए क्योंकि मास तो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अराउंड 1500 किलोमीटर पर आवर की होगी वो पिस्तौल से फायर होगी. और यही बुलेट जब राइफल से फायर होगी तब उसकी वेलोसिटी अराउंड 2800 से 4500 किलोमीटर पर आवर तक होगी. तब इतना ह्यूज वेलोसिटी, इतना ग्रेट वेलोसिटी से जब वो मासलेस ऑब्जेक्ट, ऐसे मास है पर नेग्लिजिबल मास से, पर वो जब ग्लास से टकराएगी वो बुलेट तो ग्लास के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, चीर फाड़ देंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मोमेंटम. और इस बार क्यों उसकी बहुत ज्यादा मोमेंटम है? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट वेलोसिटी. सो फ्रेंड्स, अब ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मोमेंटम का हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में रैकेट वाला एग्जाम्पल दिखाया. अब मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने जब रैकेट वाला एग्जाम्पल दिखाया था तब देखिए कि मेरा जो मोमेंटम पहले जो मैंने इस कॉक पे लगाया वो कितना कम था. और कंपैरेटिवली अभी जो आपने मैंने वीडियो दिखाया यही मैंने पूरा कूद के जोर से मैंने उस कॉक को मारा, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मोमेंटम अप्लाई की, ऐसा हम बोल सकते हैं. अब हम आते हैं कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग, क्या है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टी इज इक्वल्स टू फोर्स. ये जो है इसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टी इज इक्वल्स टू फोर्स. तो जो मोमेंटम में चेंज आता है, पहले इनिशियल मेरा रैकेट इनिशियल मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ था, कुछ मेरा मोमेंटम नहीं था, और फिर मैंने कूद के जब मैं यहाँ पे अटका तो मेरा मोमेंटम मैंने गेन कर लिया और वो मोमेंटम उस टाइम टी के पीरियड में फोर्स में कन्वर्ट हो गया, उस फोर्स से मैंने कॉक को मारा. तो यही है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू.